जय हिंद युवा साथियों, आज शिक्षक दिवस है। आप तमाम क्षेत्र के वासियों को, तमाम प्यारे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे बहुत सारे मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पर्सनली कॉल्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ आए और सबका सम्मान है, सब सबका जो है सम्मान पूर्वक हम लोग करते हैं। आज शिक्षक दिवस है। आज शिक्षक दिवस पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बाबू, कोई भी इंसान आसानी से शिक्षक नहीं बन पाता है। मैं अपने दिल की बातों को आज प्रकट कर रहा हूँ। शिक्षक बनने के लिए आपको कई संघर्ष करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि नौकरी ले लीजिए, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, डिफेंस, किसी में चले जाइए, वो उससे बढ़िया है। लेकिन उनसे ज़्यादा मेहनत, नौकरी से ज़्यादा मेहनत, मेरा ऐसा मानना है कि अगर नौकरी से ज़्यादा मेहनत अगर कोई चीज़ बनने में है तो वह शिक्षक बनने में है। शिक्षक बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। शिक्षक बनने के बाद आपको हर मर्यादा, हर चीज में, हर लिमिट में रहना पड़ता है। बच्चों के विकास के लिए एक शिक्षक खुद तो जलता है लेकिन कई बच्चों का विकास करता है। एक कहावत है ना कि मेरे शिक्षक कहा करते थे, आज भी हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, वो आज भी हमसे कहा करते हैं। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि शिक्षक आपको पढ़ाते ही हैं। जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं वही शिक्षक नहीं है, शिक्षक वह भी है जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज मेरे अपने गुरु और तमाम गुरु के बीच जब मैं मिलता हूँ तो कहीं ना कहीं सीखता हूँ। आज भी मुझे याद है और आज भी मुझे सर कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं, मेरे शिक्षक कहते हैं, जिनका मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ, हूँ भी प्रेजेंट में, वो आज भी कहते हैं। आज मॉर्निंग में जब भी मैं अपने गुरु से बात किया तो उन्होंने कहा, एक ही बात सीखा कि एक शिक्षक हमेशा सीखता है। एक शिक्षक की पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है, वह पर दिन पढ़ता है, हर दिन पढ़ता है, हर दिन सीखता है। कहने का मतलब है कि आप शिक्षक के साथ रहेंगे, मैं भी अपने गुरु के साथ जब रहता हूँ, बैठता हूँ, कभी कभी मुझे मन भी नहीं लगता है तो मैं थोड़ा सा बैठने चले जाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट, तो वो 10-15 मिनट के बीच में ही मैं बहुत कुछ सीखता हूँ शिक्षकों से। बाबू रे, आज शिक्षक दिवस है, मैं तमाम बच्चों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शिक्षक दिवस पे मैं आप सभी से यही वचन मांगता हूं कि भगवान ने हमें जिंदगी जो है ना सिर्फ जीने के लिए नहीं दी है। इस दुनिया में जीने के लिए तो सब आया है, लेकिन भगवान ने हमें जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं दी है, भगवान ने हमें जिंदगी कुछ करके दिखलाने के लिए दी है। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी शिक्षाविदों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पूरा दिन काफी व्यस्तता में गुजरा और कल से फिर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ जाएंगे। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी को तमाम ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।